हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज आप देखेंगे क्लास टू के बच्चों की इंग्लिश वर्कशीट का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी बच्चों की स्टडी स्टार्ट करने में। तो चलिए हम आज की वीडियो भी देख लेते हैं। सो दिस इज आवर वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन है जिसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। नॉर्मली जब हम किसी वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो उस वक्त हम बच्चे से कहते हैं कि आपको वर्ड के आगे यस लगाना है और उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर हर एक केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे वर्ड्स जो यस, ओ, सी एच, एस एच और एक्स से एंड होता है, उसका हम जब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं तो हम ई एस का यूज करते हैं। इसीलिए जब हम बॉक्स को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, ग्लास, ग्लासेस, ड्रेस, ड्रेसेस, टॉर्च, टॉर्चेस। ठीक इस तरह से। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। क्लास टू में बच्चों को हैज और हैव का यूज करना सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है? इसके लिए हम उनसे कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउन्स के साथ हैज का यूज होता है, प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स के साथ हैव का यूज होता है। एक चीज हमें बच्चों को हमेशा नोट करने के लिए कहना चाहिए कि आई और यू के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हैज अ टेडी बियर। आई के साथ हैव का यूज होगा, आई हैव मेनी टॉयज। ही हैज अ ब्यूटीफुल पियानो। यू, यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, यू हैव अ लाउड वॉइस। नेक्स्ट, माय आंट हैज अ बिग कार। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वी, दे और यू। यहाँ पर बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें उन्हें वी, दे और यू का यूज करना है। जैसे हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी आई का प्लूरल फॉर्म होता है, वी का यूज हम खुद के लिए करते हैं, दे का यूज जब हम किसी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम दे का यूज करते हैं, ही, शी, इट का प्लूरल फॉर्म होता है दे, और यू का प्लूरल फॉर्म होता है यू। इस तरह से हम वी, दे और यू का यूज करना अपने बच्चों को सिखाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, आई एम सानिया, शी इज लोला, वी आर फ्रेंड्स। ही इज अजय, शी इज नीना, दे आर क्लासमेट। माई फादर इज सिख, आई एम सिख टू, वी आर सिख। ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर टू, दे आर डॉक्टर्स। यू कैन गो अली, यू कैन गो रवि, बोथ ऑफ यू कैन गो। तो यहां पर हो जाएगा यू। बिल्कुल इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को वी, दे और यू का यूज करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद देयर इज और देयर आर। देयर इज का यूज किसी एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स के लिए होता है और देयर आर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर मेनी एनिमल्स इन द जू, तो यहाँ पर एक से ज्यादा एनिमल्स हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे देयर आर। नेक्स्ट, डैश एन एलिफेंट इन द जू, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज एन एलिफेंट इन द जू। ए पिकॉक अंडर द ट्री, एक पिकॉक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज। डैश मेनी पीपल एट जू, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर। There are many people at the zoo. Dash a big tree near the pond. एक big tree है, तो यहाँ पर use हो जाएगा there is. There is a big tree near the pond. इस तरह से। Next is circle the correct words in these sentences. बच्चों को इस तरह से articles use करना सिखाया जाता है कि कहाँ पर उन्हें a का use करना है और कहाँ पर उन्हें n का use करना है। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड स्वर का आता है तो हम वहां पर यूज करते हैं an का, और जब किसी वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड व्यंजन का आता है तो हम वहां पर यूज करते हैं a का। तो चलिए देख लेते हैं। देयर इज पिक्चर, प का साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी के व्यंजन का साउंड आ रहा है प, तो यहां पर हम यूज करेंगे ए। देयर इज अ पिक्चर ऑफ,
बाउल, ओ, ओ का साउंड आ रहा है यानी कि हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है ओ, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा ए एंड। आई कैन सी काउ, क का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ए। आई कैन सी अ काउ इन द गार्डन, ही हैज अम्ब्रेला, अ का साउंड यानी कि हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन। ही हैज एन अम्ब्रेला इन हिज बैग। ऑक्टोपस, ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन। एन ऑक्टोपस स्विम्स इन द सी, देयर इज एंट, ए का साउंड आ रहा है एन। देयर इज एन एंट ऑन द लीफ। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसे बच्चों को सेंटेंस रीड करके उसे करेक्टली फील करना है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक सेट ऑन अ चेयर, शी ऑलवेज प्ले विथ हर डॉल्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, there are fruits in the basket, Ashok lives near me, like this। So this is our worksheet। आप इस worksheet की help से बच्चों की study start कर सकते हैं। I hope इससे आप सभी को काफी help मिलेगी। यह worksheet आप सभी को कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें और channel पर नए हैं तो subscribe जरूर करें। मिलते हैं next video में। Till then, bye।